फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बहुत ही डिलीशियस कढ़ाई चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी को देखने के लिए वीडियो पूरा देखें। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ 600 ग्राम चिकन लिया है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे मैरिनेट करने के लिए, और हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम, और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। बाकी की हम तैयारी कर लेते हैं। चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून सौंफ लिए, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, और 1/2 टीस्पून यहाँ हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, और यहाँ हमने कम तीखी लाल साबित मिर्च ली है। कढ़ाई चढ़ा दी है हमने गरम पे। मसाले डाल देंगे। मसाले अच्छे से हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से इसका ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। इस तरह से पाउडर बना लेना है। इसी कढ़ाई में हम घी गरम कर लेते हैं। घी गरम होने देंगे हम। गरम हो गया है। यहाँ हम जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा है ये डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। हो गया है। अब हम स्लो फ्लेम करके 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देते हैं। चेक कर लेते हैं। हमने सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखनी है, और अच्छे से हम इसे कुक करेंगे। इसका ड्राई होने लगा है। यहाँ हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे मिक्स कर लिया है हमने। अब हम ये चिकन कढ़ाई मसाला भी डालेंगे जो ये बनाया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये भी मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसके 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको भी हम टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप ध्यान से ऐड करिए। हमने मेरीनेशन के टाइम भी नमक ऐड करा था। थोड़ा सा ही हम नमक ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ 3 चम्मच मैंने फेटा हुआ दही लिया है, इसे भी हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिला देंगे। दही को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने अच्छे से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम लास्ट में यहाँ हमने कुछ शिमला मिर्च के पीसेस टुकड़ों में काट लिया है, और प्याज को भी मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छे से 2 मिनट तक और इसे कुक कर लिया है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्लेम हमने स्लो ही रखी है। अब हम इसके साथ भी मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके का कढ़ाई चिकन ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हम आहिस्ता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई चिकन बन के तैयार है। हम इसको थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह का आप कढ़ाई चिकन ज़रूर बना कर देखें। आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको मेरे कढ़ाई चिकन की रेसिपी कैसी लगी।